आपके साथ मैं हूं अनुजा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद कभी भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए बनाए गए फॉर्मूले पर आलाकमान की मोहर लग गई है। अब तारीख का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों के दिल की धड़कनें इन दिनों बढ़ती जा रही है और इसकी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान है जिसमें उन्होंने राजस्थान में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को जल्द करने की बात कही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिवालय में दिए बयान के बाद अब राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और समर्थित विधायक अपने अपने नामों की संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। वर्तमान में गहलोत मंत्रिमंडल में 9 पद खाली हैं, जबकि 3 मंत्रियों रघुराम, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का मंत्री पद जाना तय है। वहीं परफॉर्मेंस और सियासी समीकरणों के आधार पर 4 या 5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि 12-15 नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। यूपी में टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रियंका गांधी के फॉर्मूले के तहत राजस्थान में 2 या 3 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। गहलोत के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के फॉर्मूले में मिशन 2023 की छाप दिखेगी। पार्टी को चुनाव जिताने वाले और व्यापक प्रभाव वाले विधायकों को अवसर मिलेगा। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का मंत्री पद जाना तय हो गया है। तीनों के बदले 2 जाट और 1 ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलेगा। ब्राह्मण चेहरों के तौर पर महेश जोशी और राजकुमार शर्मा के में एक को मंत्री बनाया जा सकता है। जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट और महादेव सिंह खंडेला को मौका मिल सकता है। आदिवासी क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक चंदना और टिकाराम जूली को प्रमोशनल मिल सकता है और आधा दर्जन मंत्रियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से छुट्टी हो सकती है। बसपा से आने वाले विधायकों में राजेंद्र गुड्डा मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल में प्रियंका गांधी का फॉर्मूला नजर आ सकता है। 3 महिला विधायकों के नाम चर्चाओं में हैं। दलित और महिला विधायक के तौर पर मंजू मेघवाल गुर्जर, विधायक के तौर पर शकुंतला रावत और महिला चेहरे के तौर पर जाहिदा का नाम भी दौड़ में शामिल है। इनमें से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। पायलट कैंप में 3-4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। रमेश मीणा या फिर मुरारी मीणा में से किसी एक को मौका मिलेगा। हेमाराम चौधरी या ब्रजेंद्र ओला में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। दीपेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लिस्ट में शामिल है। सचिन पायलट की सूची में विश्वेंद्र सिंह का नाम शामिल है। विश्वेंद्र सिंह को लेकर फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।